नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूँ आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। घोसी मऊ में दिनांक 25 अगस्त 2021 को शिक्षा क्षेत्र घोसी अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरोली में कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए निशुल्क मास्क एवं पुस्तक वितरण किया गया। ज्ञातव्य हो कि कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होने तो लगी हैं, किंतु कोविड 19 के संकट व खतरे से पूर्णतया बाहर नहीं निकल पाए हैं। ऐसे में स्वयं एवं बच्चों को सुरक्षित रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संकल्पित प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉ. रामविलास भारती द्वारा व्यक्तिगत रूप से सभी बच्चों, रसोइयों व स्टाफ के लिए मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण सहायक एवं वित्त लेखा अधिकारी SSA मऊ मनोज कुमार तिवारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी घोसी अजब सिंह द्वारा सभी बच्चों को मास्क एवं निःशुल्क पुस्तक वितरित किया गया। साथ ही शिक्षा में बेहतर पहल के लिए SRG अरविंद पांडे को अंगवस्त्रम देकर सम्मानित भी किया गया। मास्क व निःशुल्क पुस्तक वितरण करते समय मनोज तिवारी सहायक एवं वित्त लेखा अधिकारी SSA मऊ ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा सभी बच्चों और रसोइयों आदि को व्यक्तिगत रूप से मास्क आदि उपलब्ध कराना उनकी बेहतर पहल है। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षित रहकर ही बेहतर कल के सपने देख सकते हैं और इसी आधार पर कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी घोसी अजब सिंह ने कहा कि कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए शिक्षक एवं शिक्षार्थी पठन पाठन सुनिश्चित करें, भारती जी का प्रयास अति सराहनीय है। हम सभी को इस तरह की पहल करके सुरक्षित शैक्षिक वातावरण तैयार करना होगा जिससे सभी को सुरक्षित रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। जिला समन्वयक प्रशिक्षण बालिका शिक्षा चंद्रधर यादव ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है जिसे मुहैया कराना हम सबकी जिम्मेदारी है जिसके लिए हम सब संकल्पित है। इस कार्यक्रम के संचालन स्वयं आयोजक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉ. रामविलास भारती ने किया। इस अवसर पर SRG अरविंद पांडे, जिला प्रेरणा साथी रामनाथ, ARP डॉ. राम शिरोमणि मौर्य, ग्राम प्रधान बालचंद राम, SMC अध्यक्ष बादामी देवी, उपाध्यक्ष मंजू देवी, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सुनील कुमार कन्नौजिया, फकरे आलम, फुलवंती शाही, कमलेश राय, ललित राहुल, मेहदी रजा, RK ब्रजेश सागर आदि उपस्थित रहे। शिक्षण सत्र चालू हुआ है उसमें कोविड गाइडलाइन के क्या नियम है, किस तरह से पढ़ाया, पठन पाठन कार्य किया जाएगा? कोविड गाइडलाइन हमारी पहले ही आ चुकी है और कोविड गाइडलाइन के तहत शिक्षण कार्य पीछे चल भी चुका है और उसी का अनुपालन करते हुए दूरी बनाकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था करवानी है। डॉक्टर रामविलास भारती जी उसी क्रम में बच्चों को मास्क वितरित किए हैं। ये एक अच्छी पहल है और हम इस पहल का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही साथ शिक्षा के उन्नयन में इन्होंने विशेष योगदान यहाँ दिया है, हम इनके प्रयास की सराहना भी करते हैं। हम लोग इसी कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं कि एक अच्छी पहल के साथ सत्र की शुरुआत हो। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मुझे नहीं कहना है, अब विद्यालय आरंभ हुआ है, चले, संचालित हो, अच्छे से पठन पाठन हो, बस। कार्यक्रम आयोजित हुआ बच्चों के लिए जो हम लोगों ने नया सेशन शुरू कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब के द्वारा किताबें वितरित की गई और उनको मास्क वितरित किया गया जिससे कि हम अपनी पढ़ाई, बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें। धन्यवाद। प्रधान जी, हमारे जिला समन्वयक यादव जी यहाँ उपस्थित, प्रसाद जी, मंडे जी, कार्यक्रम का आयोजन करने वाले डॉक्टर रामविलास भारती जी, उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा प्यारे बच्चों, सत्र आरंभ हो रहा है। बहुत दिन बाद आपको विद्यालय आने का अवसर मिल रहा है। इसमें सबसे पहले तो आप भाग्यशाली हैं, इस विद्यालय में आपका एडमिशन हुआ है जहां एक चुनौती से आप